स्टोरी विद अरुण सुन रहे आप तमाम श्रोता सबका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रोता नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं YouTube का स्टोरी विद अरुण चैनल और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूं एक बार फिर से सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन से भरपूर डिटेक्टिव नॉवेल सीरीज जासूस विजय इसी सीरीज की 12वीं एपिसोड के साथ। अगर इससे पहले आप लोग इस नॉवेल सीरीज के पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस उपन्यास के प्रीवियस एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विद अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर डिटेक्टिव नॉवेल सीरीज जासूस विजय। सुनिए इसी सीरीज की 12वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। रात के करीब 9 बजे चारों ओर ऐसा अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था जैसे मध्य रात्रि का समय हो। 8 बजे ड्यूटी बदल चुकी थी यानी दिन को गश्ती वाले लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और रात की ड्यूटी वाले अपना चार्ज संभाल चुके थे। विजय का ग्रुप और बंता सिंह चौपाल की इमारत के एक कमरे में बैठे विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक बाहर से शोर उठा। अपने अपने हथियार संभाल कर सब लोग उछल कर खड़े हो गए। नजदीक आती घोड़ों की टापों की आवाज अस्पष्ट सुनाई देने लगी थी। लो ठाकुर प्यारे, विजय चीखा, वो टाइम शायद आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। अब देखना यह है कि क्या जौहर दिखाते हो। पूरी बात सुने बिना बंता सिंह बाहर जंप लगा चुका था। तुम सब अपनी अपनी ड्यूटी का ख्याल रखना प्यारो, कहने के साथ उसने भी बाहर जंप लगा दी। विकास, अशरफ, विक्रम और नाहर उसके पीछे थे। घोड़ों की टापों की आवाज अब नजदीक आती जा रही थी। मचानों पर बैठे डाकू सजग हो गए। युवकों ने वही किया जैसा निर्देश दिया गया था, यानी डाकू आ गए चिल्लाते हुए घरों की तरफ भागे। उन्होंने ऐसा करने के लिए विजय ने आने वाले डाकू को इस भ्रम में रखने के लिए कहा था कि गांव में घुसने से पहले उन्हें किसी किस्म के अलग माहौल का इल्म ना हो। चारों तरफ वैसा ही शोर उभरा जैसा डाकुओं के आने पर उभरता था। मचानों पर तैनात डाकू घोड़ों की टापों की आवाज के साथ दूर से दौड़कर गांव की तरफ आ रहे घोड़ों के हजूम को भी देख सकते थे। ट्रिगर दबाने के लिए उंगलियां मचलने लगी, मगर इन्हें इंतजार था गांव में दुश्मनों के प्रविष्ट होने का और फिर वो समय भी आ गया। उधर घोड़े गांव की सीमा में दाखिल हुए, इधर वृक्षों पर बैठे डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घोड़ों के हिनहिनाकर गिरने और इंसानी चीखों की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। सारा वातावरण गोलियों से थर्रा रहा था। बुरी तरह चीख फुकार मच गई, हाहाकार और चित्कारें। वृक्षों के ऊपर से जो एक बार गोलियां चलनी शुरू हुई तो फिर रुकने का नाम ही न लिया। अभी इस स्थिति को सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे कि घोड़ों के ठीक विपरीत दिशा से अचानक ढेर सारे शक्तिशाली बल्ब रोशन उठे और मजे की बात ये कि उनकी रोशनी का मुख्य कद्र गुमटी के वृक्ष थे। मचानों पर तैनात अधिकांश डाकू अभी कुछ समझ भी ना पाए थे कि बल्बों के ठीक पीछे से गोलियों की वैसे ही बाढ़ मचानों पर झपटी जैसे उन्होंने अपनी जानकारी में फूलों गिरोह के घुड़सवारों पर की थी। बल्बों के पीछे से चलाई गई गोलियां मचानों पर मौजूद ज्यादातर डाकुओं की पीठों पर लगी क्योंकि अभी वे बल्ब की तरफ पलट भी ना पाए थे। जिन्होंने पलटने में जितनी फुर्ती दिखाई उनके सीने छलनी हो गए क्योंकि तेज ओवाट के बल्बों के सामने अभी वे आंखें ही मिचमिचा रहे थे। काफी रोशनी हो गई थी वहां और अब ये भी देखा जा सकता था कि बचे हुए घोड़ों की जो आतंक से भागे फिर रहे थे पीठे खाली थी। उधर जो मरे पड़े थे
उनके बीच एक भी इंसानी लाश न थी। हाँ, घोड़ों की जिन के साथ बंडे टेपों से निकलकर अभी भी इंसानी चीखों की आवाजें फिजा में गूंज रही थी, परंतु अब उन चीखों का कोई महत्व नहीं था क्योंकि गुमटी में वास्तविक चीखें गूंज रही थी। ठाकुर बंता सिंह गिरोह के डाकों की चीखें पके फलों की तरह वे जमीन पर गिर रहे थे। जब तक विजय की समझ में असली माजरा आया, तब तक पहले मोर्च को किसी हद तक निर्भय सिंह या फूलों का गिरोह फतह कर चुका था, मगर फिर भी वो चीखा, कोई धोखे में ना आए। असल में दुश्मन बल्बों के पीछे पहाड़ियों में है, हमला उधर ही बोला जाए, सब अपना ध्यान उधर ही केंद्रित करें। अगर वास्तविक स्थिति लिखी जाए तो बल्बों के पीछे से किए गए पूर्व नियोजित हमले के कारण पहले ही झटके में बंता सिंह गिरोह के आधे डाकों का सफाया हो चुका था और इस बात को बंता भी खुद समझ रहा था। शायद यही वजह थी कि उस पर खून सवार हो गया। स्वचालित राइफल संभाले वो बल्बों की तरफ दौड़ा। बचे कुचे डाकू भी गांव की धरती से करीब 30 गज ऊपर पहाड़ के एक हिस्से में पंक्तिबद्ध करीब 50 तेज वाट वाले हैंडल टॉर्चनामा बल्ब लगे थे। दो बल्बों के बीच की दूरी मुश्किल से 2 फीट थी। बड़ा जबरदस्त इंतजाम था। खुद को एक किनारे वाली झोपड़ी की बैग में छुपाए बंता सिंह ने स्वचालित राइफल की नाल बाहर निकाली। इस वक्त उसकी आंखों में लहू नहीं, लहू के कतरे तैर रहे थे। राइफल का रुख उसने बल्बों की पंक्ति की ओर किया जबड़े का से, और एक बार जब ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाया तो फिर ढीला ना पड़ने दिया। लगातार आग उगल रही नाल को उसने बल्बों की पंक्ति के साथ मूव किया। बल्ब बंद कर दो, निर्भय सिंह की आवाज गूंजी एकदम ऑफ, जैसे सबका संबंध एक ही स्विच से था। घुफ, अंधेरा छा गया। बंता सिंह और उस हर व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने काजल से अंधेरे के बीच रंगीन दायरे से तैरते नजर आए, मगर फिर भी ऑफ होने से पहले काफी बल्बों का कांच झंझनाकर बिखरने की आवाज गूंजी थी। बल्बों के होते ही बंता सिंह ने अपनी गन का रुख निर्भय सिंह की आवाज की तरफ मोड़ दिया था। गोलियों की बाढ़ उधर झपटी, परंतु कोई चीख नहीं। जाहिर था कि निर्भय सिंह किसी पत्थर की बैग में है। बंता सिंह के जेहन में इस वक्त आग भरी हुई थी। शायद हरामजादे, जला जलाई ने तेरी मर्दांगनी हम देखे तो सही, बुझा क्यों लिए सामने आ। सामने से दागी गई गोलियां लकड़ी की उस दीवार में घुसकर आ गई जिसकी बैग में वो खड़ा था। तभी वातावरण में फूलों की आवाज गूंजी। तूने उस सारी लौंडे के फेरे में पड़कर गुमटी के पेंडों पर मोर्चा लगाया था, बता, हमारा मोर्चा उसी का जवाब है। तेरे किसी आदमी की तो बात दूर, आज तू खुद भी यहां से बचकर नहीं जा सकेगा, हरामजादी कमीनी। बंता सिंह के मुंह से भद्दी गालियां निकली। तू मुझे कहां मारेगी, तेरा कुछ ईमान नहीं, सुचाराम के हत्यारन से समझौता कर रही, थू थू है तुझ पर। सन्नाटा छाया रहा। बंदा सिंह पूना चिंघाड़ा, बोलती काहे नहीं ससुरी, चुप क्यों हो गई। पूना खामोशी, और तू ठाकुर, अरे जा, लानत है तुझ पर। बंदा सिंह किसी विकृत व्यक्ति की तरह दहाड़ रहा था। ठाकुर के पुत्र तो औरतन की मदद से एक सांस बिना लेते, और तू तो एक मल्लाहिन की मदद लिए बैठा है, ठाकुरों के नाम को कलंक लगा दिया तूने। उधर से हंसने की आवाज आई, हंसत है बेशरम। अंधेरा हुए काफी देर हो चुकी थी, यानी झोपड़ियों की बैग में छुपे बंता सिंह के साथियों को अब कुछ दूर तक का अंधेरा साफ नजर आ रहा था। उनमें से कुछ जमीन पर लेटकर रेंगते हुए पहाड़ की तरफ बढ़े। अंधेरा हुए काफी देर हो चुकी थी, यानी झोपड़ियों की बैग में छुपे बंता सिंह के साथियों को अब कुछ दूर तक का अंधेरा साफ नजर आ रहा था। उनमें से कुछ जमीन पर लेटकर रेंगते हुए पहाड़ की तरफ बढ़े। उनका प्रयत्न अंधेरे का लाभ उठाकर बल्बों के पीछे छुपे अपने दुश्मनों की छाती पर पहुंच जाना था। वे काफी तेजी से जा रहे थे। सबसे तेज रेंगने वाला था बंता सिंह। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मगरमच्छ सूखे में जाकर रेंग रहा हो, और अभी वो पहाड़ पर करीब 20 गज ऊपर ही चढ़ पाया था कि बल्बों की पंक्ति एक बार फिर
रोशन हो गए। कई बल्ब फूटे हुए थे किंतु रोशनी अब भी इतनी तेज थी कि पहाड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे बंता सहित सभी न सिर्फ रोशनी से नहा गए बल्कि आंखों में बुरी तरह चुंधिया गई, बुरी तरह बौखला गए हुए सभी। इस बार रोशनी का कद्र मचान नहीं बल्कि पहाड़ के नीचे का हिस्सा था। उनके रोशनी में नहाते ही पंक्ति के पीछे से गोलियां चली। एक बार फिर चीखों का संसार गर्म करते बंता के साथ ही लुढ़क गए। अकेला बंता सिंह ऐसा था जिसने सख्ती से आंखें बंद करके गन का मुंह बल्बों की पंक्ति की ओर खोल दिया। कांच के झनझनाने के साथ उस तरफ से भी कई चीखें गूंजी परंतु बंता सिंह की चीख उन सब से ज्यादा हौलनाक थी। बल्बों के पीछे से चलाई गई अनेक गोलियां उसके गेंडे जैसे जिस्म में धस गई। छलनी होने के बावजूद वो अपनी खंभे जैसी टांगों पर खड़ा हो गया। गन का मुंह अभी खोल रखा था, कुछ गोलियां और लगी। गन हाथों से छूट गई, मुंह से गोलियों का तूफान निकला। वो निर्भय सिंह और फूलों को भद्दी भद्दी गालियां बक रहा था और ये गालियां बकते बकते ही उसका पहाड़ सा भारी जिस्म धम से गिरा। फिर अपने ही वजन जितने एक पत्थर को साथ लिए वो नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। जब रुका तो साथ आने वाले पत्थर के नीचे दबा हुआ था। सारे बल्ब एक बार पुनः एक साथ ऑफ हो गया। मामला बिगड़ गया प्यारे झांझरों के। बंदूक संभाले एक पत्थर की बैग में छुपे विजय ने अशरफ से कहा, बापू जान तो सचमुच हमारे बाप निकले। चार पांच दिन से जो रणनीति बनाए बैठे थे वो 5 मिनट में ही तहस नहस कर दी। वाकई विजय, बंदा सिंह भी मारा गया। रणनीति तो सभी बनाते हैं प्यारे, मगर जंग में जीत उसकी होती है वक्त पर जिसकी नीति कामयाब हो जाए। अब देखो ना, हम मोर्चा जमाए 4 दिन तक इनका इंतजार करते रहे, उधर ये यहाँ इंतजार कर रहे थे। इंतजाम भी कैसा अजीब, शायद ही जग में पहले यहाँ रोशनी का इस्तेमाल हथियार की तरह हुआ हो। हथियार? ये हथियार नहीं तो और क्या है। कभी दुश्मन की आंखें पर तेज रोशनी फेंक कर तुम देखना, जैसे हमारी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त होंगी वैसे ही तेज रोशनी वाले सारे बल्ब एक साथ पुनः ऑन करके हमें अंधा बना दिया जाएगा। कमाल की रणनीति है, तभी तो बंता गिरोह का लगभग सफाया कर दिया। हमें क्या फर्क पड़ता है चाहे बंता सिंह गिरोह का सफाया हो या इनका, हमारे लिए तो बात एक ही है। एक बात नहीं है प्यारे, तुमने तो कहा था कि, हमने ये नहीं कहा था कि एक डाकू दल का लगभग सफाया हो जाए और दूसरे दल को खास नुकसान ही ना हो। सफाया भी बंता दल का उसने हमें, जिसे अपना दोस्त होने की भैरवी पिला रखी थी। फिर क्या करें, थी है पाने की कोई, बापू जान इस वक्त हाथी है, उन पर काबू तरकीब नजर ही नहीं आती। बंता गिरोह के बाद अब उनका निशाना हम और बेगुनाह ग्रामीण होंगे। मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो देर किस बात की। निकाली हैंड ग्रेनेड और इस बार बल्बों के ऑन होते ही पंक्ति के पीछे उछाल दो, उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचाएगा, साथ ही जंग में शामिल होने के लिए पुलिस को सिग्नल भी मिल जाएगा। क्यों, बम विस्फोट होते ही बजाज अपनी फौज लिए गांव में उतर जाएगा और यदि वो बेवकूफी हो गई तो फोर्स का अंजुम ही होगा जो बता बंता दल का हुआ है। कुछ सोचते हुए विजय ने कहा, तुम्हें मैराथन की दौड़ दोहरानी होगी प्यारे, मतलब तुम्हें दौड़कर वहां जाना होगा जहां फोर्स पड़ी है। अभी तुम्हारी ऊपर है कि कितना दौड़ सकते हो, बस यूं समझ लो कि हमारे साथ साथ सारे गांव की जान भी खतरे में है और उसे तुम बचा सकते हो। जितनी जल्दी वहां पहुंच जाओगे हम लोग यहाँ उतने ही सुरक्षित हो जाएंगे। करना क्या होगा, अशरफ के समूचे जिसमें तनाव उत्पन्न हो गया था। बजाज ऊपर से सारी स्थिति को उवाच कर रहा होगा, विजय ने कहा। यहाँ की स्थिति उसे विस्तार से बताने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहना कि दुश्मन समय समय पर ऑन होने वाले बल्बों की पंक्ति के पीछे है, अतः पुलिस को उस स्थान के पीछे पहुंचकर हमला करना है। आज तुम्हारे तेज दौड़ने की परीक्षा है प्यारे, चिंता मत करो। इन शब्दों के बाद अशरफ आसपास नजर न आया, वो छलावे की मानिंद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुका था। बल्ब पुनः एक झटके से ऑन हो गए।
विकास ने खरगोश की तरह खुद को दो पत्थरों के बीच बने छोटे से गैप में छुपा लिया। सांस तक रोक ली। वो पहाड़ पर चढ़ रहा था, उसी पहाड़ पर जिस पर बल्बों की पंक्ति थी, जिसके पीछे से रहरा कर गोलियां बरस रही थी। परंतु इस कार्य को ओ बंता सिंह या उसके साथों की तरह मुखना अंदाज में नहीं कर रहा था। दरअसल बल्बों के ऑन होते ही वो स्वयं को पत्थरों के बीच बने गैप में छुपा लेता और ऑफ होते ही पुनः अपनी यात्रा शुरू कर देता। अब तक यात्रा में दो बार बल्ब ऑन हुए थे, इस वक्त भी ऑन ही थे। बोली, तभी से फूलों की सीधमे की अंतराल में पहाड़ पर चढ़ रहा था। नीचे से बल्बों पर गोलियां चली, पंक्ति के पीछे से जवाबी गोलियां। विकास पत्थरों की तरह खामोश पड़ा रहा, तब तक जब तक कि बल्ब पुनः ऑफ ना हो गए और उनके ऑफ होते ही पत्थरों पर किसी सर्प के समान रेंगकर अपनी यात्रा उसने फिर जारी कर दी। कोई नहीं कह सकता था कि बल्ब किस क्षण ऑन हो उठेंगे। सो वो ऐसे ढंग से ऊपर चढ़ रहा था कि प्रत्येक क्षण किसी न किसी गैप के समीप रहे। अच्छी तरह जानता था कि यदि ऊपर वालों को जरा सा भी झलक मिल गई तो स्वयं भगवान भी उसे नहीं बचा पाएगा। इस बार जब बल्ब ऑन हुए तो उस पत्थर के ठीक नीचे था जिस पर एक बल्ब लगा था। पत्थर ज्यादा बड़ा भी नहीं था। उसके अनुमान अनुसार बल्ब के ठीक पीछे फूलों होनी चाहिए थी। अंतराल इतना था कि यदि हाथ में दबी बंदूक से चाहे तो फूलों को जिस्म को छू सको, किंतु ऑन बल्बों के रहते ये आत्महत्या करने जैसा था। सो वो छुपा रहा। मैडम, एकाएक उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज, हमारी चाल से वाकिफ हो गया है लगता है और भांति पहाड़ पर चढ़ चढ़ कर हम तक पहुंचने की, देखिए नीचे बिना पोजीशन लिए कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, किसे निशाना बनाए। हमें अपनी रणनीति में कुछ चेंज लाना होगा। फूलों की आवाज गूंजी। क्या इसकी घोषणा अगर सरदार ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सारी जगह उन्हीं के निर्देश पर लड़ी जा रही है जंग। वे बहुत होशियार था। अचानक एक बार फिर सारा वातावरण गोलियों की जबरदस्त आवाज से गूंज उठा। ऑन बल्बों की पंक्ति के पीछे से चीखों का शोर उभरा। कोई हलक फाड़ कर चिल्लाया, दुश्मन हमारे पीछे पहुंच चुका है। थूम थड़ाम, हैंड ग्रेनेड के कर्णभेदी धमाकों ने चीखों और गोलियों की आवाजों का दम घोट कर रख दिया। जाने किस तरफ से आकर हैंड ग्रेनेड बल्बों की पंक्ति की तरफ गिरा था। दुश्मन में हड़कंप, चीख फुकार और भागदड़ मच गई। विकास को अपने समीप वाले बल्ब के पीछे एक साया लहराता नजर आया और यही क्षण था जब उसने अपने हाथ में दबी बंदूक का बट साए पर मारा। एक जनानी चीख के साथ साया ऑन बल्ब पर गिरा और पत्थरों पर लुढ़का। विकास ने हाथ बढ़ाकर उसके लंबे बल पकड़ लिए। अगर ऐसा ना किया होता तो पत्थरों पर लुढ़कती फूलों पहाड़ के निचले सिरे तक जाती थी और नीचे ही ये उसकी गिरोह की थी। हमला ठीक पीछे से हुआ। जान बचाने के लिए कुछ डाकू पहाड़ के इधर वाले हिस्से में कूदे। वे विजय, विक्रम, नाहर, ब्लैक बॉय की गोलियों का निशाना बने। फूलों को खींचकर विकास ने अपने साथ गैप में छुपा लिया। मुक्त होने के लिए वो छटपटा रही थी, परंतु ये गिरफ्त विकास की थी, किसी ऐरे गैरे की नहीं। जवाब आना बंद हो गया तो उनके हथियार भी खामोश हो गए। 5 मिनट बाद एक छोटे माइक पर बजाज की आवाज गूंजी, टॉर्च ऑन की जाए। हुक्म का पालन हुआ। एक साथ कम से कम 10 शक्तिशाली टॉर्च ऑन हो गए। प्रकाश दायरे बल्बों की पंक्ति के इस तरफ छितराई पड़ी डाकुओं की लाशों पर मंडराने लगे। उन्हें इंतजार था इस बात का कि शायद किसी टॉर्च पर 2 मिनट बाद माइक पर पुनः बजाज की आवाज गूंजी। अगर कोई जीवित है तो हाथ हवा में उठाकर खड़ा हो जाए, क्योंकि किसी भी किस्म की चलाकी का अर्थ अपने अधिकांश साथियों की तरह जान गंवाना होगा। तुम लोग इस वक्त चारों ओर से बुरी तरह घिर चुके हो। ये सारी स्थिति फोर्स और विजय रूफ के नियंत्रण अधिकांश डाकू मारे गए। फूलों गिरोह को फूलों सहित यदि 8 डाकू गिरफ्तार हुए तो बनता के सिर्फ 4। हाँ, ठाकुर साहब का कहीं पता ना था। एक एक लाश को बारीकी से शिनाख्त करने के बावजूद ठाकुर साहब का शव किसी को ना मिला। गांव वालों को जब पता चला कि दोनों दस्यु दलों का लगभग सफाया हो गया है तो मारे खुशी के नाचने लगे। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के साथ बजाज अभी युद्ध स्तर का ही निरीक्षण कर रहा था।
जबकि चौपाल से संबंधित इमारत के एक कमरे में विजय, विकास, अशरफ, ब्लैक बॉय, विक्रम और नाहर फुलवती को घेरे खड़े थे। एक कुर्सी के साथ उसे रस्सियों से बांधा गया था। पूछताछ चल रही थी। लवती सब कुछ बता रही थी जो ये जानते थे, बल्कि उल्टे गंदी गंदी गालियां भी बक रही थी। विजय ने एक बार फिर प्यार से पूछा, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं मैडम कि तुमने बापूजान को पलक झपकते ही अपना सरदार कैसे बना लिया। बता तो चुकी हूं उल्लू के पट्टे, ओ गुर्राई, कितनी बार कहना होगा कि मेरे और उनके बीच एक समझौता हुआ था, ये कि पट्टी तो हमने बंता सिंह को बढ़ाई थी। तो यकीन क्यों नहीं मानता हरामजादे, यही सच है, विजय ने मोहक मुस्कान के साथ कहा। समझौते का मतलब ये नहीं होता मेरी जान कि जिससे किया जाए उसे था, गिरोह का सरदार बना दिया जाए और फिर तुम्हारे और बापू जाने कि गुमटी आने से पहले ही संबंध थे। ये बात इसी से जाहिर है कि जब वो यहाँ से गए तब मदद हासिल करने सीधे तुम्हारे अड्डे पर दौड़े गए। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा ये याराना कितना पुराना है, भूल भुलैया वाले रास्ते को पार करके वो तुम्हारे अड्डे पर कैसे पहुंच गए, क्या तुम्हारे और बापूजान के बीच कोई पुराना गहरा रिश्ता है। फुलवती ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। जबड़े कस वो एक छट एक टक से विजय को घूरती रही और जब इसी स्थिति को काफी देर हो गई तो एकदम आगे बढ़कर विकास गुर्राया, ये ऐसे नहीं बोलेगी गुरु, कितनी देर से कह रहा हूं कि इस पर मेरे तरीके कारगर सिद्ध होंगे। लो प्यारे, विजय हट गया, अब तुम्हें इसे फूलो, बिल्कुल चुप रही। विकास ने अशरफ से कहा, आपके पास लाइटर है, जरा मुझे दीजिए। उसने हाथ फैला दिया। अशरफ ने जेब से लाइटर निकालकर उसके हाथ पर रखा ही था कि बजाज इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के साथ अंदर दाखिल हुआ। श्रीवास्तव के हाथों में दो शक्तिशाली बैटरियां थी जिनकी ओर इशारा करके बजाज ने बताया, इनकी शक्ति से वे बल्ब ऑन होते थे। मिस्टर विजय, सारे बल्बों की संबंध एक ही स्विच से था, जाहिर है था, वे घोड़े भी बंता सिंह के थे जिनकी जींस के साथ इंसानी चीख फुकार के टेप बांधकर प्रारंभ में इन लोगों ने बंतागिरियों को भ्रमित किया था। इनमें से कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है एसपी जिसे हम पहले से ना जानते हो। अगर कुछ नई बातें जानना चाहते हो तो चुप रहकर सांस रोककर हमारे दिल जले के पैतरे देखो। हाँ, तुम अटक क्यों गए दिल जले, चेहरे पर हिंसक भाव उभर आए उसके, कुछ ऐसे कि फूलों जैसी सख्त बदतमीज और बदमिजाज औरत के जिस्म में भी सनसनी दौड़ गई। बड़ी मुश्किल से उस जबकि विकास के मुंह से किसी भेड़िए किसी गुर्राहट निकली। अभी जो तुझसे पूछताछ कर रहे थे वो मेरे गुरु ने पूछ रहे थे और अब मैं, परंतु उनके और मेरे तरीके में जमीन आसमान का फर्क है, जवाब देती है या नहीं। मेरे और गुरु के पूछने में अंतर है, मैं सिर्फ एक बार पूछता हूं, हमारे सवालों का जवाब हाँ या नहीं, उसने सख्त भाव से कहा। बस, लड़के का चेहरा कुछ और विभत्स ही उठा। अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, बल्कि तुझे प्रक्रिया उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक कि तू खुद हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होगी। फूलो चाहकर भी मुंह से गाली ना निकाल सकी। क्लिक की आवाज के साथ विकास के हाथ में दबा लाइटर ऑन हो गया। धड़कते दिल से वो लौ को देखती रही जबकि हाथ बढ़ाकर विकास लाइटर को ठीक उसकी नाक के नीचे ले गया और लौ ने उसकी नाक के सिरे को छुआ ही था कि नहीं, मारे जलन की फुलवती बिलबिला उठी। भला उनमें से कहां जो दुश्मन के मुंह से निकलने वाली चीखों की परवाह करे, वो विकास नहीं। फूलों ने यथासंभव उसकी नाक के नीचे हो रही जलन को महसूस किया। विकास गुर्राया, मैं इस लाइटर से तेरा सारा चेहरा जला डालूंगा और ये भी गारंटी रही कि मरने नहीं दूंगा, तुझे इतना बदसूरत बना दूंगा कि आगे के शब्द फूलों के चीख पुकार में दबकर आ गए। बावजूद और श्रीवास्तव को लगा कि जिसे भी खूबसूरत मासूम और भोला भाला लड़का समझ रहा था वो लड़का नहीं जल्लाद है। कमरे में गोश्त के जलने की दुर्गंध फैलने लगी। जलन कहिए या बदसूरत हो जाने से डरने वाली स्त्री सुलभ कमजोरी की फुलवती जल्दी ही टूट गई और उसने बताना शुरू किया। ये सच है कि उस रात अपने अड्डे पर मिलने से पहले मैं ठाकुर निर्भय सिंह से कभी नहीं मिली थी। हाँ, गुमटी में किए गए नरसंहार और 20 साल पहले दोनों डाकू दलों का सफाया करने के संबंध में
उनका नाम जरूर सुना था। मेरा आदर्श सच्चाराम है और इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी निर्भय सिंह से गुमटी वासियों और बंता सिंह जितनी नफरत करती थी। उनसे सुचाराम की मौत का बदला लेना चाहती थी। उस रात जब भूलभुलैया वाले सारे रास्ते पार करके वो मेरे अड्डे के बहुत नजदीक पहुंच गए तो मेरे साथियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से कुछ साथी उन्हें वहीं मार डालना चाहते थे, जबकि कुछ के दिमाग में ये सवाल उठा कि जिन रास्तों पर अच्छे अच्छे धोखा खा जाते हैं उन पर यह अजनबी इस तरह कैसे बढ़ रहा था जैसे अक्सर आता जाता रहा हो। ये सवाल जब उन्होंने ठाकुर साहब से मिलना चाहते हैं और इस सवाल का जवाब उसी को देंगे। कुछ साथियों ने जब मुझे खबर दी तो ये सुनकर मैं दंग रह गई कि भला वो रास्ते को पार करने वाला ऐसा कौन अजनबी हो सकता है जिसे डाकू दल में से कोई भी नहीं पहचानता। सो उन्हें सख्त पहरे में अड्डे पर लाने का मैंने हुक्म दिया। वे लोग उन्हें ले आए। शक्ल देखकर ऐसा जरूर लगा कि उन्हें पहले भी कहीं देखा है मगर पहचान ना सकी कि वो ठाकुर निर्भय सिंह है, क्योंकि निर्भय सिंह का मैंने सिर्फ फोटो ही देखा था। जब इच्छा जाहिर की मैंने मान ली। तन्हाई में पहुंचते ही उन्होंने कहा, हमारी शक्ल देखकर ऐसा जरूर लग रहा होगा फूलू जैसे तुमने हमें कहीं देखा है। तुमने हमें नहीं सिर्फ हमारा फोटो देखा है। क्या मतलब? उन्होंने एक झटके से कहा, हम सुचाराम के हत्यारे ठाकुर निर्भय सिंह है। क्या? बुरी तरह चौंक कर मैंने होलस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया और गुस्से में भरी ट्रिगर अभी दबाने ही वाली थी कि वे बोले, पहले पूरी बात सुन लो फूलो, उसके बाद तू यहां तक कैसे पहुंच गया कुत्ते? मतलब? एक ठंडी सांस भरने के बाद उन्होंने कहा, मैं इस वक्त सिर्फ शक्ल से निर्भय सिंह हूं मगर वास्तव में मेरा नाम सुचाराम है। सुचाराम? हाँ, मैं सुचम की आत्मा हूँ और इस वक्त इस कुत्ते में हथियार निर्भय सिंह के जिस्म मेरे कब्जे में है और मैं इसके बीवी बच्चों से बदला लेना चाहता हूँ। कि मेरी खोपड़ी घूम गई, कुछ समझ में ना आया। हक्की बक्की मैं ठाकुर निर्भय सिंह के चेहरे की तरफ देखती रह गई, जबकि हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे कथन पर शायद यकीन ना आया फूलो, मगर मारे हैरत के मेरे मुंह से आवाज निकल रही थी। जबकि उन्होंने आगे कहा, ये अड्डा जहां इस वक्त तुम हो आज से 30 साल पहले मेरा हुआ करता था। मैं इन पहाड़ियों और भूलभुलैया वाले रास्तों में से मैं उतना ही परिचित हूं जितना तुम, बल्कि तुमसे भी कहीं ज्यादा। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? नहीं फूलो, मैं सच कह रहा हूं। इस बात के मैं ढेर सारे प्रमाण दे सकता हूं कि मैं सुचाराम ही हूं। कैसे प्रमाण? तुम जानती हो कि निर्भय सिंह ने मुझे, मेरे गिरोह, मेरे बच्चे और मेरे घर को नेस्तनाबूद जरूर किया था, किंतु मेरे मकान पर इस अड्डे पर उसने कभी कदम ही नहीं रखा। अतः वो इस अड्डे की अंदरूनी भौगोलिक स्थिति से कभी वाकिफ नहीं हो सकता, जबकि मैं वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारे सामने इस अड्डे की समस्त भौगोलिक स्थिति बयान कर सकता हूँ सिर्फ क्योंकि मैं निर्भय सिंह नहीं उसके जिस्म में छुपा सुचाराम हूँ। मैंने भौगोलिक स्थिति बयान करने के लिए कहा। उन्होंने की इस हद तक कि मेरे छक्के छूट गए। वे अड्डे के उन गुप्त स्थानों के बारे में भी जानते थे जिनके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैं हैरत से मुंह फाड़े उनकी तरफ देख रही थी कि उन्होंने सवाल किया, क्या तुम्हें अभी यकीन नहीं आया? क्या आपको कब्जा करने के लिए भी निर्भय सिंह का ही जिस्म मिला था? हाँ, एक झटके से कुछ ऐसे अंदाज में कहा उन्होंने। हाँ, इसकी और दुनिया वालों की नजरों में सुचाराम मर गया, मगर नहीं, मैं मरा नहीं फूलू। मैं बदला लिए बिना नहीं मर सकता। इसने मेरा घर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, मेरे बच्चों को मार डाला। उसकी मौत का बदला लिए बिना सुचाराम मर नहीं सकता, इसलिए बिना जिस्म की मेरी रूह भटकती रही। प्रतिरोध की आग में सुलगता रहा मैं, प्रतिशोध की आग मुझे चैन से नहीं रहने दी। ये सब कहते कहते निर्भय सिंह का चेहरा इतना बीभत्स हो गया कि मुझे डर सा लगने लगा। आंखें अंगारों की मानिंद दहक रही थी। मैं अवाक सी होकर उन्हें देखती रही थी। प्रतिशोध की आग में झुलसे हुए कहते चले गए, मैं मरा भले ही नहीं मगर जिस दुनिया में पहुंच चुका था उसका कुछ नियम होते हैं। रूहें किसी को परेशान तो कर सकती है मगर बिना शरीर धारण किए बदला नहीं ले सकती। बदला भी वैसा भयंकर जैसा मैं चाहता था। निर्भय सिंह ने मेरे साथ गद्दारी की थी, धोखा किया था, आधे घंटे का कहकर 20 मिनट का टाइम बम लगाया था। इसी सब का बदला लेने के लिए मेरी रूह भटक रही थी। जीते जागते इंसान के जिस्म पर कब्जा करना रूहों के बस में नहीं है, मगर मैं मौका तब लगा जब डिक्की थाने में इसे सोता पाया।
मैंने इसके जिस्म को अपने कब्जे में कर लिया, गुमटी में आकर ठाकुर शेर बहादुर और उसके परिवार की निशंस हत्या की। वो मेरा दुश्मन था, उसने तो इस हरमजादे को मेरे घर का पता बताया था। मुझे गुमटी गांव के बच्चे छजन से नफरत हो गई थी। हर रात इस पापी के जिस्म पर कब्जा करके गुमटी में नरसंहार किया। हर अपना काम करके मैं इसे डिक्की थाने में सुला आता। सुबह उठने पर इसे कुछ याद ना होता। याद तो तब होता जब अपनी जानकारी में इसने कुछ किया होता। इसे तो यही लगता कि रात को सोया था और अब नींद पूरी करके उठा है। ये कमी क्या जान सकता था कि रात पर इसके जिस्म को मैं कहां कहां लिए फिरा। मगर मैंने हिम्मत करके पूछा, इस काम के लिए आपने ठाकुर साहब का ही जिस्म क्यों चुना? माताजी के अलावा भी बापू जान की कोई पत्नी थी और हमारे अलावा भी कोई औलाद। ये बात गांव वालों करतूत की मुकम्मल वजह है, ब्लैक वाय बोला। इसमें भी एक पेच है सर। ओ क्या? ठाकुर साहब के मुताबिक 20 साल पहले उन्होंने मुखियाओं ने आरती और सुलभा के साथ मुंह काला किया था, जबकि गांव वालों के अनुसार अन्य परिवार भी उनका निशाना बने थे। तुम भूल रहे हो कि उस घटना की वजह से बापू जान सारा तमाशा देखते रहे, किसने आगे बढ़कर उनकी अक्ष और पत्नी की मदद नहीं की। हम उनकी जिंदगी के सबसे काले अध्याय को जान गए हैं। क्या तुम लोग उनके इस कथन से सहमत हो? अगर सच्चाई पूछे गुरु तो ये है कि सहमत होने को जी नहीं चाहता, विकास ने कहा। ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम सबका कत्ल कर देने पर आमादा ही है। जैसे उन्हें इल्म हुआ है कि हम उनकी जिंदगी के काले अध्याय की जान गए, तो उन्हें करना ये चाहिए था कि सब कुछ खुले दिल से हमारे सामने स्वीकार करते और खुद को कानून के हवाले कर देते। अपने मन और उनके कैरेक्टर को खूंटी पर टांग कर बात करो प्यारे, विजय ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त हम मन से नहीं दिमाग से तर्क वितर्क कर रहे हैं। और यदि बापू जान का कोई कैरेक्टर कहीं जिसे कमीना हरगिज वाकिफ नहीं है, तो मेरी हत्या तक करने पर आमादा हो गया। मारना मैं भी उसे चाहता था, मगर इतनी आसान मौत नहीं। इसलिए गांव वालों के हजूम से उसे बचने का मौका देकर मैं यहाँ तेरे पास आया हूँ। मेरा मस्तिष्क साए साए कर रहा था, कुछ बोल न सकी। वो दूर से दौड़कर आए किसी रिक्च के समान हाँप रहा था। साहस करके मैंने पूछा, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मदद? कैसी मदद? तू मुझे अपना आदर्श मानती है ना? हाँ, मुझे अपनी बीवी बच्चे का दर्दनाक अंत का भयानक बदला लेना है। इसकी बीवी बच्चों के दिमाग की जड़ों को हिलाकर रख देना है। मेरे दिमाग में बदला लेने की एक स्कीम है। अगर तुम मदद करो तो मैं उससे अपनी मनमातिक बदला ले सकता हूँ। आप तो मेरे आदर्श है, मेरे सरदार है। इसका मतलब तुम तैयार हो? आप हुक्म कीजिए, किस किस्म का बदला लेना चाहते हैं? निर्भय सिंह के सभी सगे संबंधियों के साथ वालों को भी दुनिया के नक्शे से मिटा डालना मेरा उद्देश्य है, और ये सारा काम मैं इसी कमीने के जिस्म से करना चाहता हूँ। निर्भय सिंह बनकर, खुद को निर्भय सिंह कहकर जब मैं इस हरामजादी की बीवी की इसके बेटे बेटी दामाद और नाती के सामने बेइज्जत करूंगा, तो उनके दिमाग की जड़ें हिलकर आ जाएंगी। सोचेंगे कि ठाकुर निर्भय सिंह को यही हो क्या गया है। फिर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद मैं खुद को निर्भय सिंह बताकर इस सुअर के बच्चे का जिस्म के हवाले कर दूंगा। अदालत निर्भय सिंह को बीवी बच्चों की हत्यारा, 20 साल बाद पहले गुमटी में किए गए नरसंहार और अब दुनिया के नक्शे से गुमटी का नामो निशान मिटा देने का दोषी करार देकर इसको उस सारी इज्जत खाक में मिला देगी जो अपनी सारी जिंदगी में इसने कमाई है। मगर उसके जुर्म में तो फांसी, हाँ फांसी, शरमजादे की फांसी के फंदे पर लटका देना ही तो मेरी प्रतिशोध की आखिरी कड़ी होगी। क्या मतलब? फांसी के फंदे पर झूलकर मैं नहीं मरूंगा फूलो, रूहे मरा नहीं करती, मुक्त होती है। और इसके फांसी के फंदे पर झूलते ही मेरा प्रतिशोध की आग भी शांत हो जाएगी, मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा, मेरी भटकती रूह को सुकून मिल जाएगा। मरेगा ये हरामजादा निर्भय सिंह, मेरे होगा निर्भय सिंह की बीवी बच्चों की अपमान से भरी निर्मम मौत, इसकी इज्जत का जनाजा और फिर फांसी के फंदे से इसकी मौत होगी। एक साथ मेरा बदला पूरा हो जाएगा और इसका सारा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं निर्भय सिंह नहीं हूं? अपने किसी साथी को भी नहीं? क्योंकि अगर ये राज कानून को पता लग गया तो शायद निर्भय सिंह के जिस्म को फांसी पर न लटकाया जाए, और यदि ऐसा हो गया तो मेरा प्रतिशोध अधूरा रह जाएगा। फूलो, ये राज तुम्हें गुप्त ही रखना होगा। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, मगर आप कहते भला मैं गिरोह की सरदारी कैसे कर सकती हूँ? सरदारी हम करेंगे,
तुम अपने साथियों को सिर्फ हुक्म दोगी। हम जानते हैं कि किसी में भी तुम्हारे हुक्म की वजह पूछने की ताकत नहीं है। फुलवती चुप हो गई। विजय, विकास सहित सभी ने अस्तब्ध होकर सांस रोके सुना था। सभी इस कदर अवाक रह गए कि तुरंत किसी के मुंह से बोलना फूटा। सभी हतप्रभ थे। उसका नाम विजय था, जिसने सबसे पहले स्वयं को हमारे बापू जान ने नहीं बल्कि उनके जिस्म के अंदर बैठे सुचाराम ने की थी। हाँ, मगर हमें पेड़ों पर लटकाकर राजकुमार से संबंधित जो कहानी सुनाई गई थी वो सुचाराम ने खुद गढ़ी थी। अपने गिरोह के दूसरे सदस्यों की तरह राजकुमार के डाकू बनने की वजह सुचाराम खूब जानता था, सो उसने वही वजह ठाकुर साहब से जोड़कर सुना दी ताकि तुम और सारा गांव उसे निर्भय सिंह समझे। बीच में 4-5 दिन क्या करता रहा? एक मुखबिर द्वारा हमें तुम्हारे और बंता सिंह के बीच हुए गठजोड़ का पता लग गया था। उसी से निपटने के लिए सुचाराम ने तैयारी में 4 दिन लगाए। योजना तैयार करके बल्ब, बैटरी, तार, स्विच और टेपों का इंतजाम डिक्के से किया। आज सुबह ही हमने बंता के अड्डे पर हमला करके घोड़े अपने कब्जे में कर लिए थे। क्या पुलिस की मौजूदगी के बारे में तुम्हारे मुखबिरों ने खबर नहीं दी? अगर दी होती तो हमारा गिरोह इस तरह बर्बाद ना होता, बल्कि पुलिस की भी वही गत बना दी होती जो बंता सिंह के गिरोह की बनाई। तुम्हारे मुखबिरों ने ये खबर नहीं दी कि हम कुछ लोगों की पीटी से बाहर निकाल चुके हैं? इसका मतलब तुम्हारे मुखबिर कच्चे थे? चुप रह गयो। खैर, विजय ने कहा, अब जबकि हम मामले को समझ चुके हैं, ये और बताओ रानी फुलवती कि जिसमें बापूजान के जिस्म में चिपका सुचाराम इस वक्त कहाँ मिलेगा? ये वो मैं कुछ नहीं बता सकती इस बारे में। पहले तो ये जरूरी नहीं कि इतनी मार काट के बाद वे जीवित बचे हो, और यदि बच भी गए तो इस बारे में क्या कोई कर सकता है? कहीं होंगे ये मैं आपके पास हूँ। मैच निकलने के बाद वो सारे अड्डे पर हो गया होगा है, अगर मगर यदि सरदार सचमुच बच गए तो अब वे किसी के हाथ आने वाले नहीं। इस इलाके के चप्पे चप्पे की जितनी भौगोलिक जानकारी उन्हें है उतनी किसी को नहीं हो सकती। तुम लोगों के लाख सिर पटकने के बावजूद अब वे हाथ आने वाले नहीं है, विजय ने अपने विशेष लहजे में कहा। हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि लाख सिर पटकने पर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि यहाँ से दुम दबा कर भागने के बाद वो अड्डे पर ही गया होगा या और कहीं भी जा सकता है। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं कह सकती तो हम सबको तुम्हें अपने अड्डे की सैर करानी होगी। जरूर। अचानक फुलवती के मुखड़े पर सौम्य मुस्कुराहट उभर आई। विजय कुछ कहना ही चाहता था कि श्रीवास्तव बोला, आप फिर वही भूल कर रहे हैं मिस्टर विजय जो उन दो डाकों के गिरफ्त होने पर की थी। आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने, हमें सब याद है प्यारे श्रीवास्तव कि तुमने क्या किया था। उसे हमने अपने सिर आंखों पर लिया, इसलिए अड्डे पर हमला करके कामयाब होने के ख्वाब कभी नहीं भूले। किंतु अब हालात बदल चुके हैं। इस गिरोह के अधिकांश डाकू गुमटी की पहाड़ियों में मुंह फाड़े पड़े हैं, सो उन विशेष पहाड़ियों की खासियत का लाभ उठाकर हम पर कौन हमला करेगा, कौन छलावे की तरह प्रकट और गायब होगा? श्रीवास्तव को तर्क जमा, अतः वो चुप रह गया। जबकि बजाज ने कहा, फिर भी उन पहाड़ियों के बीच भूल भुलैया वाले इतने रास्ते हैं मिस्टर विजय कि अड्डे पर पहुंचना जरूरी नहीं। जरूरी है जनाब एसपी, मैं समझा नहीं। हमारे साथ रानी फुलवती है, दिल जला और उसके पास लाइटर है, ये तीनों हर हालत में हमें सुचाराम के अड्डों पर पहुंचा देंगे। ख्वाब भी नहीं सोची थी कि ठाकुर राणा के जिस्म से ये सब कुछ सुचाराम कर रहा है। हमने पहले ही कहा था प्यारे कि अगर सब कुछ वैसा ही होता रहे जैसा हम सोचते रहे तो फिर जिंदगी का असली लुत्फ भी कहाँ आया। मगर हाँ, ये मानना पड़ेगा कि जैसी ढकनी हमने इस अभियान के मामले में खाई है वैसे कभी नहीं खाई थी। क्या मतलब? अक्सर ये होता है कि हम मामले की तह में पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मामले ने साली खोपड़ी का दिवाला निकाल दिया। हम सब कुछ समझते रहे मगर कुछ नहीं समझे, सब कुछ जानते रहे मगर कुछ नहीं जाने। मैं समझा नहीं। बनवारी की झोपड़ी में सोने से पहले और झोपड़ी के बाहर बापूजान के मिलने के व्यवहार में जमीन आसमान जैसा अंतर में खटकता तो रहा, परंतु खटकने की सही वजह न पकड़ सके। उसी तरह ये सोचा जरूर कि बापूजान अपना काला चिट्ठा जानने की वजह से मारना तो चाहते हैं किंतु माताजी को इतना अपमानित क्यों कर रहे हैं, परंतु सही वक्त तक न पहुंच सके। अक्सर ये होता है कि मामले की तह में पहले पहुंच जाते हैं
लेकिन इस मामले ने साली खोपड़ी का दिवाला निकाल दिया। हम सब कुछ समझते रहे मगर कुछ नहीं समझे, सब कुछ जानते रहे मगर कुछ नहीं जाने। मैं समझा नहीं, बनवारी की झोपड़ी में सोने से पहले और झोपड़ी के बाहर बाबूजान के मिलने के व्यवहार में जमीन आसमान जैसा अंतर हमें खटकता तो रहा, परंतु खटकने की सही वजह ना पकड़ सके। उसी तरह ये सोचा जरूर कि बाबूजान अपना काला चिट्ठा जाने की वजह से मरना तो चाहते हैं, किंतु माताजी को इतना अपमानित क्यों कर रहे हैं, परंतु सही वजह तक न पहुंच सके। ब्लैक बॉय ने पूछा, आपके और हम सबके सीक्रेट एजेंट होने के जिस रहस्य का वे जिक्र कर रहे थे, वो सिर्फ नहीं रूह संग्राम बाद बापूजान, सुचराम होता है बापू नहीं। मगर सर, सुचराम को कैसे पता लगा कि हम सीक्रेट सर्विस के एजेंट हैं? एजेंट और आप, हम इंसानों की दुनिया में रहते हैं प्यारे, इसलिए रूहों के कायदे कानून और उनके शोर से नावाकिफ है। मगर अध्ययन से जाना कि वे हमारे बीच अदृश्य रहकर हमारे ही मुंह से बहुत सी बातें सुनकर जान जाती है, और हमें इल्म तक नहीं होता कि किसी ने कुछ सुना है। लेकिन गुरु, अब क्या होगा? असल दिक्कत ये है प्यारे कि कानून भूत प्रेतों को सही नहीं मानता। माई बापूजान पर गुमटी में 20 साल पूर्व किए गए नरसंहार और इस वक्त की हत्याओं का मुकदमा चलेगा। जब कानून भूत प्रेत के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता, तो जाहिर है कि वो इस तर्क को नहीं मानेगा कि ये सब कुछ बापूजान ने नहीं बल्कि सुचाराम ने किया है। जब हम सबका अलावा गुमटी गांव का बच्चा बच्चा बयान देगा तो अदालत को मानना पड़ेगा। गुरु, आज गुमटी वालों को दुख है कि उन्होंने ठाकुर साहब को दरिंदा, आज का रावण कहा। छोड़ो प्यारे, ये अदालत का मसला है और इसे अदालत में ही निपटना होगा। फिलहाल हमारे सामने समस्या उसे ढूंढकर गिरफ्तार करने की है। हम अड्डे पर कब चल रहे हैं? सुबह। कहने के बाद विजय बोला, कोई आ रहा है। इसलिए राज की बातें बंद और आम बातें शुरू। अशरफ ने कमरे में कदम रखा, तीनों चुप हो गए। सुबह तक फोर्स को दो हिस्सों में बांट लिया गया। पहला हिस्सा श्रीवास्तव के नेतृत्व में बनता और फूलों गिरोह के गिरफ्तार डाकू को साथ लिए डिकी की तरफ रवाना हुआ। दूसरी फूलों के बताए रास्ते पर अड्डे की तरफ। लो बजाज, विजय, विकास, अशरफ, विक्रम, नाहर, ब्लैक वाय के अलावा फोर्स के जवान भी थे। घोड़ों पर काफिला सुबह के करीब 10 बजे उन रमणीक पहाड़ियों में पहुंचा जहां बजाज ने कहा, बस पुलिस सिर्फ इतना जानती है कि अड्डा इन पहाड़ियों में कहीं है, सही स्पॉट हमें रानी फुलवती ले जाएगी, विजय बोला। फिर वो काफी देर तक चलने के बाद एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसके चारों तरफ खड़े पहाड़ करीब 50 गज को ऊपर जाकर एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे। ठीक यू जैसा चार नाग जमीन पर खड़े अपना फन चौड़ाए एक दूसरे के मुंह को चाट रहे हो, फुलवती ने बताया। इस हॉल को ही हमारा मुख्य अड्डा कहा जाता है, यानी हम लोग यहीं बैठकर कोई योजना तैयार किया करते हैं। सभी ने हॉल को ध्यानपूर्वक देखा। हॉल की दीवारों में जगह जगह मोखले थे। विकास ने पूछा कि यह मोखले पहाड़ के अंदर से होते हुए खुले आकाश के नीचे चले जाते हैं? जवाब देने के लिए फूलों ने मुंह खोला ही था कि तभी धाएं धाएं एक साथ दो गोलियों की आवाज और विक्रम और नाहर की चीखों से सारा हॉल गूंज उठा। वे लहराकर जमीन पर गिरे। बाकी सब ने फुर्ती से खुद को जमीन पर लिटा लिया। फूलों ने भागने की कोशिश की, किंतु उसके हाथों में पड़ी हथकड़ियों से संबंधित जंजीर बजाज की बेल्ट से बंधी थी, सो भागने में प्रयास में मुंह के बल गिरी। गोली विक्रम के कंधे में लगी थी तो नाहर की कमर में, पलक झपकती उनके हाथियार हाथों में नजर आए। एक मुखले में सब राइफल संभाल ठाकुर साहब लेटे नजर आए। विजय फुसफुसाया, उसके जिस्म पर कोई गोली न चलाए। कई उंगलियां ट्रिगर दबाते दबाते रह गई। मुखले से बाहर सब राइफल ठाकुर साहब को हाथ और उनकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा ही नजर आ रहा था। एकाएक ठाकुर साहब की कठोर आवाज वहां गूंजी, शेर की मांद में घुसाने की बेवकूफी तुम लोगों ने आखिर कर ही दी। अब यह हॉल हमेशा के लिए तुम सब की समाधि में तब्दील हो जाएगा। खूब बेवफा मनाया सुचाराम, मगर अब ये, ओह तो तुम ये भी जान गए हो? मुंह से गुराहट निकली, हमने नहीं सोचा था फूलों कि तू इतनी कमजोर निकलेगी, लानत है तुझ पर। मैं तो ये सोचकर इन्हें सब कुछ बता दिया था सरदार कि ठाए ठाए। मोखले से झांक रही सब राइफल की दो गोलियां निकली, निशाना थी, किंतु उसे पहले ही बजाज अपनी बेल्ट में बंधी जंजीर को जोर से झटका दे चुका था।
अतः गोलियों से टकरा कर छितरा गई, जिसकी बैग में फुलवती छिपी हुई थी। उधर विजय के हाथ में दबे रिवॉल्वर ने खांसा, गोली सीधी सब राइफल पर लगी और सब राइफल एक तेज झटके के साथ उसके हाथ से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा होते ही ठाकुर साहब का जिस्म मुखले में वापस रेंगा, पलक झपकते ही वो गायब। तुम और झांझरो के विक्रम नाहर का ख्याल रखना काले लड़के, कहने के बाद उसका जिस्म रबड़ की बबुए की गेंद समान हवा में उड़ता नजर आया। अगले पल सुनी फोर्स के साथ बजाज ने भी उसे मुखले में गुम होते उसके पीछे विकास बजाज सोचने पर बेहोश हो गया कि ये लोग इंसान है या जिन। अंधेरी और बेहद संकरी गुफा में विजय तेजी से रेंगता जा रहा था। गुफा ऐसी थी कि एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही रेंग कर गुजर सकता था, वो भी प्रत्येक क्षण इस आशंका से ग्रस्त कि सुरंग के किसी स्थान पर कहीं फंस न जाए। दम घुटने लगा, ठीक वैसी स्थिति जैसे अर्ध कुमारी की गुफा में होती है। उस गुफा को यदि भक्त जय माता दी का नारा लगाते अगाध श्रद्धा के बल पर पार कर जाते हैं, तो इसमें विजय सिर्फ ये सोचकर रेंगता चला गया कि उसे आगे रेंगने वाले का जिस्म उससे भी साल है। उसे ठाकुर साहब के जिस्म के रेंगने की आवाज आ रही थी। यदि ऐसा ना होता तो अभी तक शायद भटक चुका होता, क्योंकि कई स्थानों पर सुरंग उसे कई भागों में विभक्त होती नजर आई थी। वह हाट का पीछा करता रहा, ये सोचता हुआ कि यदि गुफा में आने में उसने जरा भी देर की होती और यह हाट सुनाई न दे रही होती तो जाने ठाकुर साहब का जिस्म किस तरह निकल जाता और स्वयं किस दिशा में। करीब 10 मिनट रेंगने के बाद विजय को सुरंग का एक सिरा नजर आया। साहब को जिस्म को उसने सिरे को पार कूदते देखा, तेजी से रेंग कर स्वयं सिरे पर पहुंच कर देखा। एक चौड़ी और गैलरी जैसी गुफा में सुचाराम ठाकुर साहब के जिस्म को भगाए ले जा रहा था। संकरी गुफा के सिरे से विजय ने सीधी जंप उसके ऊपर लगाई। सुचा के हलक से चीख निकली, एक दूसरे से गुथे दोनों के जिस्म पथरीली जमीन पर लुढ़क गए। थोड़ा संभलते ही विजय ने कहा, भाग कर कहां जाएगा, अब तुम्हारा हमारे चंगुल से बचकर नहीं निकल सकते सुचारा। मगर विजय की समस्त आशाओं के विपरीत सुचा ने जाने कौन सा दाव खेला कि विजय को पल भर के लिए अपना जिस्म हवा में लहराता नजर आया और फिर थम से वो पत्थर पर गिरा। सुचाराम ने झपट कर गुफा की दीवार पर लटका एक अजीब सा हथियार उतार लिया। जी हाँ, कम से कम इस युग में उसे अजीब ही कहा जाएगा। करीब 2 फीट लंबी गोले की बाहरी बॉडी पर उभरे 2 इंच लंबे मोटे और नुकीले दांत, जंजीर का एक सिरा ठाकुर साहब के हाथ में कांटेदार गोला झलक रहा था। विजय काफी फुर्ती के साथ उठकर वापस खड़ा हो गया था। चेहरे पर शक्ति और आंखों में आग लिए ठाकुर साहब की आंखों में गुफा को अभी विजय यूं ही घूर रहा था कि संकरी से हवा में लहराता विकास उनके जिस्म पर झपटा। सुचाराम ने बिजली की सी गति से गोल हवा में घुमाया, कांटे विकास की कमर में धंसे और एक चीख के साथ गुफा की दीवार से टकराने के बाद जमीन पर गिरा। यही वो क्षण था जब विजय ने उनके जिस्म पर जंप लगाई, परंतु कांटेदार गोला उसके कंधे पर पड़ा। इस तरह दोनों महारथी एक साथ ठाकुर साहब से भिड़ गए। ठाकुर साहब के हाथों में जहां खतरनाक किस्म का हथियार था, वहीं विजय विकास जेबों में रिवॉल्वर की मौजूदगी के कमजोर पड़ रहे थे। सुचाराम की आत्मा ठाकुर साहब जिस्म को इतनी फुर्ती के साथ इस्तेमाल कर रही थी कि विकास विजय चकित थे। बार बार कोशिश के बावजूद वे ठाकुर साहब के जिस्म को छू तक न सके। कांटेदार गोले की मार सहते सहते उल्टे उनके जिस्म लहूलुहान हो गए थे। एक स्थिति ऐसी आई कि दोनों घात लगाने की सीमा में खड़े रह गए। उनके किसी भी हमले का सामना करने के लिए चौकस सुचाराम गुर्राया, अपने आप को तुम दोनों बड़े सुरमा समझते थे, महान जासूसों में नाम आता था तुम्हारी, अब आओ हमला करो मुझ पर, साले ठाकुर के पिल्ली एक एक की खाल खींच कर रख दूंगा। जाने क्या सोचकर विजय ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। विकास ने चीख कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं गुरु। विजय कुछ बोला नहीं, दृष्टि ठाकुर साहब के जिस्म पर इस ठाकुर साहब के होठ मुस्कुराने वाले अंदाज में फैले, बढ़ते बढ़ते मुस्कान हंसी में बदली और हंसी बुलंद कहकहे में बदल गई। सारी गुफा ठाकुर साहब के अट्टहास से गूंज उठी। दिल खोलकर हंसने के बाद उसने कहा, चला गोली गोली चला सुअर के बच्चे, ये प्रतिशोध भी बड़ा अजीब होगा,
आत्माओं की दुनिया में अब मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी जिस्म पर कब्जा करने के लिए उसका सोता होना जरूरी नहीं। अब मैं जीते जागते इंसान के जिस्म पर भी कब्जा कर सकता हूँ। चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें भी से किसी के जिस्म पर भी मैं अपना कब्जा कर सकता हूँ, किंतु नहीं, फिलहाल इस हरामजादे का जिस्म ठीक है, तू गोली चला, मैं नहीं, मेरी बीवी बच्चों का हत्यारा एक कुत्ता निर्भय सिंह मरेगा, फिर मैं तेरे जिस्म पर कब्जा करूंगा, विकास तुझे मारेगा। ये प्रतिशोध भी बड़ा खूबसूरत होगा। जब मैं विकास के जिस्म पर कब्जा करके हॉल में मौजूद लोगों पर हमला करूंगा तो विकास को मार देंगे। इस तरह एक एक करके मैं तुम्हारे इस हाथों से तुम सबको मार डालूंगा, मगर मैं नहीं मर सकता। 20 साल पहले ही मर चुके सुचराम को अब भला तुम क्या मारोगे सुअर के पिल्लो? आत्मा को दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। मरेगा वो जिसके जिसमें मैं होऊंगा। पैसाची कह कहे बुलंद होते चले गए। विकास को तो बात ही क्या, विजय जैसी हस्ती का दिमाग भी चकर घिनी की तरह घूम कर आ गया। यदि सुचराम ठीक कर रहा था तो सुचराम उसकी आत्मा पर काबू पाने का कोई रास्ता विजय को इस वक्त दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बुलंद कह कहो के बाद सुचराम ने ठाकुर साहब के जिस्म को विजय के सामने तान कर खड़ा कर दिया और ललकारा, क्यों रुक गया सुअर के बच्चे, हिम्मत है तो गोली चला, आग भर दी इस हरामजादे निर्भय सिंह के जिस्म में। दोनों महारथियों की हालत अजीब हो गई, समझ में ना आ रहा था कि क्या करे। अगर सुचराम उसी तरह शरीर बदल सकता था जिस तरह कह रहा था तो आगे जो कुछ होने वाला था उसकी कल्पना करके ही दोनों कांप गए। यदि कहा जाए कि कर्तव्य विमूढ़ से खड़े थे तो गलत ना होगा। सुचराम रहरा कर उन्हें ललकार रहा था, जब देखा कि दोनों में से कोई भी हमला नहीं कर रहा है तो कांटेदार गोला संभाले स्वयं विकास पर झपट पड़ा। विकास तो खैर हल्की सी झुकाई देकर स्वयं को बचा गया, किंतु उसी क्षण विजय के हाथ में दबे रिवॉल्वर ने दो बार खांसा। दोनों गोलियां ठाकुर साहब की टांगों पर लगी, एक चीख के साथ ठाकुर साहब गिरे, गोला उनके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। विजय विकास एक साथ झपट कर उनके नजदीक पहुंचे, दर्द से बिलबिलाने को कारण ठाकुर साहब के चेहरे पर साफ लक्षण नजर आ रहे थे। आवाज उभरी उनके मुंह से, और चला सुअर के बच्चे, ठाकुर निर्भय के जिस्म को छलनी कर दे, सिर्फ टांगों पर गोली चलाकर क्यों रह गया? उसकी बात पर कोई ध्यान दिए बिना विजय ने कहा, इसे बांध दो दिल जले। जख्मी ठाकुर साहब के मुंह से काका उबल पड़ा, हाँ बांध लो, अपने बाप के जिस्म को तो तुम बांध सकते हो मगर मुझे नहीं। सुचराम की आत्मा को बांधना दुनिया के किसी इंसान के वश में नहीं, अब ये गपबाजी नहीं चलेगी सुचा प्यारे, उसे जकड़ते हुए विजय ने कहा, बापूजान के जिस्म के अलावा तुम किसी को अपने कब्जे में नहीं कर सकते। उसकी आवाज उबला, उस वक्त विकास अपने मफलर से उनके हाथ बांधने की कोशिश कर रहा था कि एकदम कह कहे बंद हैरत अंगेज तरीके से ठाकुर साहब के हाथ पैर ढीले पड़ गए। विकास ने घबरा कर उसकी नब्ज टटोली, अस्पंदन की महसूस करके राहत की सांस ली। दिमाग में ये धारणा बनी कि ठाकुर साहब बेहोश हो गए, चेहरा ऊपर उठाकर विकास ने विजय की तरफ देखा ही था कि बिजली किसी फुर्ती से विजय का घूसा उसके जबड़े पर पड़ा। चीख के साथ विकास उछल कर दूर जा गिरा। विजय एक झटके से खड़ा हो चुका था, मारे हैरत के विकास का बुरा हाल आश्चर्य के सागर में डूबे लड़के के मुंह से निकला, आपको क्या हो गया है गुरु? कुछ वैसा ही कहा अब इस बार विजय के मुंह से निकला जैसे कुछ देर पहले ठाकुर साहब सुचाराम दस्यु सरदार सुचाराम, चाहो तो इस वक्त तुझसे भीड़ जाओ, चाहे मैं तुझे मार डालूं या तू सुअर जल्दी नहीं है जितना तू मुझे को है, ताश ताश करके तड़पा तड़पा कर तुम सबको एक दूसरे से मरवाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि सुचराम की आत्मा अब विजय के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। वो अजीब सा कहा लगा रहा था, तुम सबको तड़पा तड़पा कर एक दूसरे के हाथों से मरवाऊंगा, मगर पहला नंबर ठाकुर निर्भय सिंह का है। ये जिस्म परिवर्तन तो मैंने सिर्फ अपना चमत्कार दिखाने के लिए किया है, ये साबित करने के लिए कि मैं गपबाजी नहीं कर रहा था, जो कहा है वो कर भी सकता हूं। विकास हक्का बक्का रह गया, काटो तो खून नहीं। दूर दूर तक उसके दिमाग में ऐसी कोई तरकीब ना सकी जिससे सुचराम के आत्मारूपी छलावे से निपटा जा सके, और अभी उसके मुंह से एक शब्द भी ना फूट सका था
प्रयुक्त की विजय को जरिए सुचराम की आत्मा ने पुनः कहा, मैं वापस ठाकुर निर्भय सिंह के जिस्म में लौट रहा हूँ। इस सुअर के जिस्म को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसका सारा खून पानी में तब्दील नहीं हो जाता, धड़कने रुक नहीं जाती। कह गए लगाता विजय अचानक ठड़ाम से गिरा। अब कह गए ठाकुर साहब के मुंह से उबलने लगे। हथप्रभ खड़ा विकास जैसे मंत्र मुग्ध बच्चे जादूगर के कमाल देखते हैं। जमीन पर पड़े विजय के जिस्म में हरकत हुई। अगले पल वो इस तरह उठकर बैठ गया जैसे सोकर उठाओ। कुछ देर चकित अंदाज में चारों तरफ देखता रहा, फिर विकास से बोला, ये क्या हुआ था प्यारे दिल जले? अच्छे भले बात करते समय हम सो कैसे गए? विकास जवाब दे तो कैसे, उसकी जुबान तो जैसे तालू से चिपकी हुई थी, जबकि ठाकुर साहब के मुंह से उबलने वाले सुचराम के कह गए और बुलंद होते चले गए। उसने विकास से कहा, बोलता क्यों नहीं बेटे, और नींद में इसने क्या किया? विजय चकित, उस वक्त और भी ज्यादा जब विकास ने सब कुछ बताया, मारे हैरत के बुरा हाल हो गया। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि कम से कम भौतिक शक्तियों के बल पर सुचराम की आत्मा से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। विजय के जीवन का शायद ये पहला मौका था जब उसने किसी मुजरिम के सामने शिकस्त के अंदाज में हाथ जोड़ दिए। बोला, चाहते क्या हो सुचराम जी, हम तुमसे हार गए। इतनी जल्दी? ठाकुर साहब को मुंह से सुचराम का उठा, इतनी जल्दी घुटने टेक दिए? बता, तुम समूच भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ हो, हम इंसानों पर विजय पा सकते हैं आत्माओं पर नहीं। चलो भले ही देर से सही, मगर इस हकीकत को तुमने समझा तो? विजय ने उसी तरह हाथ जोड़े कहा, हमने पूरी तरह शिकस्त कबूल कर ली है, हमें साफ एहसास हो गया है कि हम आपसे पार नहीं पार सकते, इसलिए हमें माफ कर दीजिए सुचाराम। माफ? हाँ, किसी तरह हमें और बापू जान को बख्श दीजिए। बख्श दो? एकाएक ठाकुर साहब के मुंह से निकलने वाली आवाज गुर्राहट में बदल गई। इस सुअर के बच्चे हरामजादे के बीवी बच्चों को बख्श दो जिसने मेरे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? नहीं, किसी कीमत पर नहीं बख्श सकता। मेरी आत्मा में सुलग रही प्रतिशोध की आग तुम्हारे माफी मांगने से शांत नहीं होगी, ये शांत होगी सबको एक एक कर को तड़पा तड़पा कर मरता देकर। हाथ जोड़कर माफी मांगने से सुचराम पसरने वाला नहीं है। सुअर के बच्चे, मुझे तुम सब की मौत चाहिए, सबसे पहले इस सुअर की जिस में इस वक्त मैं हूं, मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मर नहीं जाता, चाहे जहां ले जाओ इसे, मैं इसके जिस्म में ही रहूंगा, और इस हालत में मेरी आत्मा इस इलाके की सीमाओं में बंदी रहने पर भी मजबूर नहीं। विजय का दिमाग जाम होकर आ गया। विकास बेचारे की समझ में तो काफी देर से कुछ नहीं आ रहा था, शायद ही वे कभी किसी अभियान के अंत में इतने लाचार हुए हो। जख्मी विक्रम और नाहर बेहोश हो चुके थे। विकास और विजय ठाकुर साहब के जिस्म को संभाले हॉल में पहुंचे। उनके जिस्म में मौजूद सुचराम ने कोई विरोध नहीं किया था। अगर ये कहा जाए तो शायद ज्यादा उचित होगा कि जिस जिस्म में वो था वो जिस्म विरोध की स्थिति में ही नहीं था। ब्लैक बॉय अशरफ और बजाद आदि के पूछने पर विजय ने उस सब कुछ बताया जो हुआ था। सुनकर सबके मुंह फटे के फटे रह गए, जबकि ठाकुर साहब के होठों पर नृत्य कर रही थी कटु मुस्कान। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इन हालात में क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। लाद कर लाया गया उन्हें। गुमटी वासियों ने जब सारा किस्सा सुना तो उनके दिल ठाकुर निर्भय सिंह और उनके परिवार के लिए सहानुभूति से भर गए। डिक्की होता हुआ ये काफिला राजनगर पहुंचा। बजाज और फोर्स डिक्की में ही रह गई थी। हाँ, बजाज ने यह कहा था, मैं विभागीय औपचारिकताएं पूरी करके ताकि मैं फिर तुमसे किसी पर हमला कर सकूं, मजबूर होकर फिर तुम्हें इस सुअर के जिस्म को जख्मी करना होगा। मुझे देखना है कि यह सिलसिला कब तक तुम चला सकते हो। देश के माने हुए ओझा और तांत्रिक बुलाए गए। जैसे ही अनुष्ठान शुरू करते सुचराम की आत्मा ठाकुर साहब का जिस्म छोड़ देती और अनुष्ठान के तुरंत बाद वो फिर से लौट आती, टकराने के लिए तैयार हो जाती, यानी अनुष्ठान के वक्त रोगी के जिस्म से निकल जाती और सारी तंत्र विद्या बेकार हो जाती है। उधर सरकारी वकील पुरजोर अंदाज में हलक फाड़ कर चिल्ला रहा था, मुलजिम की वकील मिस्टर अरोड़ा इस शहर के माने हुए वकील है मिलॉर्ड, मगर इस केस के संबंध में जो कुछ उन्होंने कहा उससे शंका होती है या नहीं, जरा जांच की जाए।
की वकालत इन्होंने अदालत में दाखिल किया है वही जाली तो नहीं? कक्ष भीड़ से ठसस भरा हुआ था। अदालत बाहर गैलरी में खड़े लोग इस दिलचस्प मुकदमे की बहस सुनने के लिए एक दूसरे पर घिरे जा रहे थे। अगली पंक्ति में ठाकुर सहित पुलिस विभाग के अनेक लोग बैठे थे। हंसी के फावारे थोड़े पड़े कि अरोड़ा ने सख्ती से विरोध किया। ये मेरे पैसे पर व्यक्तिगत आरोप है मिलोर। अपना चश्मा दुरुस्त करने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आपको सिर्फ मौजूदा केस के संबंध में बोलना चाहिए मिस्टर गुप्ता। मैं केस के संबंध में ही बोल रहा हूँ मिलोर, सरकारी वकील ने कहा। उपरोक्त शब्द मैंने इसलिए कहे क्योंकि नहीं लगता कि मेरे अजीज दोस्त श्री अरोड़ा ने कभी कानून की किताबें पढ़ी है। इन्होंने कहा कि जो आरोप मुलजिम निर्भय सिंह पर लगाए गए वे सब दरअसल सुचाराम की आत्मा ने की है। अरोड़ा साहब, आपने यही कहा है ना? हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मिलोर कि मेरे अजीज दोस्त आखिर रह किस दुनिया में रहे हैं? हम 20वीं सदी के अंतिम छोर पर खड़े रूह को, आत्मा या भूत प्रेत के अस्तित्व को माने? क्या 20वीं सदी का इससे बड़ा मजाक हो सकता है? अरोड़ा ने कहा, मैंने अपने कथन की पुष्टि के लिए गुमती के अनेक नागरिक के अलावा विजय और मिश्र बाजार जैसे पढ़े लिखे लोगों की गवाही पेश की है और इन लोगों की गवाही को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती मिलोर्ड। ये सारी गवाही झूठी है मिलोर्ड। खुद मुलजिम निर्भय सिंह ने इन्हें तैयार किया है। दरअसल ये कि जुनून में जो जुर्म मुलजिम ने किए उनकी सजा से बचने के लिए इसने नायाब तरीका निकाला कि गिरफ्तार होते ही खुद को किसी आत्मा की गिरफ्त में होने का नाटक करने लगा और जिन लोगों को प्रत्यक्षदर्शी गवाह कहा जा रहा है ये लोग इसके नाटक के शिकार हो गए। मगर ये अदालत है और कानून ऐसे नाटकबाज मुलजिम के नाटक में नहीं फंस सकता। क्या गुप्ता जी ये साबित कर सकते हैं मिलोर्ड कि मेरे गवाहों ने अदालत में झूठ बोला है? झूठ बोला नहीं समझा है? अपने अंतिम दो शब्दों पर जोर देने के बाद गुप्ता ने कहा, दुनिया में आत्मा या भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती मिलोर्ड। सवाल ये है मिलोर्ड कि गुमटी में जो जुर्म हुए वो निर्भय सिंह ने अपने होशो हवास अथवा जानकारी में किए, ये किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंसने के तहत? सवाल ये नहीं है। गुप्ता गर्जा, और मिस्टर अरोड़ा बार बार इसी सवाल को उछाल रहे हैं, इसलिए मुझे संदेह है कि इन्होंने कानून की किताबें पढ़ी भी है या नहीं। कानून की कोई भी किताब किसी अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। कानून की एक भी धारा ऐसी नहीं जो ये मानती हो कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज कहीं है। ये जरूरी नहीं कि जिसे कानून नहीं मानता वो हो ही नहीं मिलोर्ड। मगर अदालत में बहस कानून की धाराओं के तहत होती है जनाब, गुप्ता ने व्यंग सा कसा। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि मुलजिम नाटक कर रहा है, मगर फिर भी और इस वक्त भी प्रेत ग्रस्त है, तब क्या मेरे काबिल दोस्त बता सकते हैं कि अपने मुवक्किल का बचाव कानून की कौन सी धारा के तहत करेंगे? अरोड़ा चुप रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद न्यायाधीश महोदय ने स्वयं कहा, अगर कोई मुलजिम को प्रेत ग्रस्त मानता है तो ये उसका नितांत निजी मामला है जिसका कानूनी अदालत में चल रही बहस से कोई ताल्लुक नहीं। कोर्ट में ये बहस का मुद्दा नहीं बन सकती मिस्टर अरोड़ा कि मुजलिम प्रेतग्रस्त है या नहीं, क्योंकि कानून किसी अदृश्य अस्तित्व को मान्यता नहीं देता। अतः अगर आप मुलजिम के बेगुनाह होने की दलील पेश कर सकते हैं तो पेश कीजिए। मैं फिर अपनी बात पर जोर देकर कहूंगा मिलोर्ड कि कानून यदि अदृश्य शक्तियों की ही जिस जिस्म को कब्जे में किए कटघरे में खड़ी है, अदालत उस जिस्म को फांसी के फंदे पर लटका दे, ऐसा होने पर इंसाफ नहीं होगा मिलोर्ड। असल मुजरिम सुचराम की आत्मा है जो फांसी के फंदे पर झूलकर भी नहीं मरेगा। हाँ, ठाकुर निर्भय सिंह जरूर मारा जाएगा। मजाक उड़ाती हुई सुचराम की आत्मा पुनः निर्भय सिंह और ऐसी ही कोई अदालत उस शरीर को भी फांसी पर चढ़ा देगी। इस तरह सुचराम की आत्मा अदालत के जरिए कानून की खामी का लाभ उठाती हुई निर्भय सिंह के सारे परिवार को खत्म कर देगी। यही इस आत्मा का उद्देश्य है, क्योंकि एक बार ठाकुर निर्भय सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के बाद ये आत्मा कोई दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसी तरह ये मौत का सिलसिला जारी रहेगा मिलोर्ड। मैं अदालत से ये कहना चाहता हूँ कि कानून की इस खामी को भरते हुए सुचराम की आत्मा को प्रतिशोध लेने से रोके, इस अन्याय और जुर्म में भागीदार ना बने। हम फिर कहेंगे मिस्टर अरोड़ा कि जिसके अस्तित्व को कानून स्वीकार ही नहीं करता उसके चंगुल में किसी व्यक्ति के फंसे होने की बात अदालत नहीं मान सकती। अब तक समूची अदालती कार्यवाही के बीच
कटघरे में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे ठाकुर साहब के मुंह से कहा निकला। कहा भी ऐसा कि कक्ष में मौजूद हर व्यक्ति के जिसमें सनसनी दौड़ गई। बोला, मुझे मेरे अस्तित्व को नकारता है। अगर होता है तो मैं इस बात को कभी छुपाने की कोशिश नहीं करता। इस सुअर का जिस्म मेरे कब्जे में है, मगर अब मैं समझ चुका हूँ कि कितना पंगु है। ये जाने के बावजूद कि मैं हूँ, स्वीकार नहीं करेगा। आता खुलकर कह सकता हूँ कि मैं वो चाहता हूँ जो अरोड़ा ने कहा, निर्भय सिंह को फांसी पर चढ़ा दीजिए। रही मेरी बात, इस कानून में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आत्मा को सजा दे सके। उसके चुप होते ही अरोड़ा चीखा, आप देख रहे हैं मिलोर्ड, आप सुन रहे हैं ना कि क्या कह रहा है। ये सब नाटक है मिलोर्ड, जवाब में गुप्ता ने कहा। मूलजी निर्भय सिंह अदालत को धोखा देने के लिए प्रेत ग्रस्त होने का नाटक कर रहा है। बहस काफी जमकर हुई, मगर अंत में निजी अनुभव को ये अदालत मूलजी निर्भय सिंह मुजरिम करार देती हुई ताजिराते हिंद दफा। एकाएक उर्मिला देवी चीखती हुई अपनी चौकरों की तरफ देखा, जबकि दीवानगी के आलम में दौड़ कर कटघरे में खड़े निर्भय सिंह के पैरों से जा लिपटी और बोली, इन्हें माफ कर दो सुचाराम, हम सबको माफ कर दो, आजाद कर दो इन्हें। कक्ष की छत की ओर चेहरा उठाकर निर्भय सिंह के सुचाराम दरिंदे की तरह हंसा, एक जोरदार ठोकर मारकर उस उर्मिला देवी को दूर फेंका और गरजा, इसे माफ कर, जिसने मेरे घर के पर कच्चे उठा दिए उसे माफ कर दो, मेरी बीवी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया इसे माफ कर दो। नहीं, इसे माफ नहीं करूंगा, सुचाराम के आत्मा ने ठाकुर निर्भय सिंह की आवाज में कहा। ऐसा से क्या सुचाराम, तुम बदला ले रहे हो, उस वक्त पर थे, सरकार ने उन्हें इस इलाके में डाकू उन्मूलन करने का काम सौंपा और इन्हें भेजा था। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मारकर इन्होंने क्या गुनाह किया, वो सब कुछ इन्होंने ड्यूटी के तहत किया था। क्या ड्यूटी निभाना गुनाह है, मैं भी ठाकुर हूँ, ड्यूटी मैं भी समझता हूँ, सिद्धांत मुझे भी प्यारे हैं, इसलिए इन्होंने कोई भी काम अपनी पर्सनल अपनी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि कानून के तहत रहकर अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने डाकू उन्मूलन के कार्य में सहभागी लिया था। सुचाराम कहता चला गया, अगर मेरे डाकू साथियों को मारा होता तो मैं इसे कोई बदला ना लेता, क्योंकि अपनी पूरी करने वाले ठाकुर होने के कारण सुचाराम को कभी शिकायत न रही। ठाकुर फर्ज और ड्यूटी को पूरा करने वाले की हमेशा कद्र करता है, मगर मेरे मकान और बच्चों को नेस्तनाबूद करके इसने कौन सी ड्यूटी पूरी की थी, 30 मिनट का टाइम बम लगाने के लिए कहकर इस सुअर ने कौन सा फर्ज निभाया था, वो सब इन्होंने नहीं किया। उसकी बात पर ध्यान दिए बिना सुचाराम कहता चला गया, इसने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे, उसी धोखे की वजह से मेरे बच्चे मारे गए, मेरा घर खिल खिल होकर बिखर गया, ये सब उसी का बदला है, और उस सब का बदला लिए बिना मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगी और ना ही मैं इसके जिस्म को छोड़ूंगा। अगर उस सब का बदला लेना चाहते हो तो ठाकुर साहब से नहीं, मुझसे बदला लो सुचाराम, एकाएक बजाज अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला। सच्चाई ये है कि ठाकुर साहब तुम्हारे बीवी बच्चों को मारना चाहते थे, न कि तुम्हारे घर के परकचे उड़ाना। इनका उद्देश्य तो तुम्हारे तुम्हें मारना भी नहीं था, ये तो तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहते थे। तुम्हारा घर मेरी गलती से उड़ा, तुम्हारे बच्चे मेरी भूल से मारे गए, तुम्हारे मकान में टाइम बम मैंने फिट किया था, इन्होंने उसमें 30 मिनट भरने के लिए कहा था, अपनी जानकारी में मैंने भरा भी 30 मिनट का ही समय था, मगर जाने कैसे वो 20 मिनट में फट गया था। कटघरे में खड़े ठाकुर साहब की आंखों से सुचाराम उसे घूरता रह गया, जबकि बजाज ने आगे कहा, संयोग से मैंने शादी नहीं की सुचाराम, न बीवी है न बच्चे, मुझे अकेले को मारकर शायद तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा, इसलिए मेरी विनम्र आग्रह है तुमसे कि तुम ठाकुर साहब के जिस्म को छोड़ दो, अगर कोई तुम्हारा असली गुनहगार है तो ठाकुर साहब नहीं बल्कि मैं हूँ तुम्हारा असली गुनहगार, मुझसे बदला लो, ठाकुर साहब को छोड़ दो। बजाज को चुप होते ही ठाकुर साहब का जिस्म कटघरे में धड़ाम से गिर गया। अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि सरकारी वकील मिस्टर गुप्ता ने झपट कर अपने दोनों हाथों से बजाज की गर्दन पकड़ ली और मुंह से गुर्राहट निकली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। अफसोस कि हकीकत मैंने पहले नहीं, ठाकुर बेचारा बेवजह सजा भुगतता रहा। बजाज के मुंह से गूंगों की आवाजें निकलने लगी, विजय विकास और अरोड़ा के अलावा पुलिसमैन सहित उसे बचाने अनेक लोग झपटे, मगर जाने गुप्ता में इतनी ताकत कहां से आ गई थी।
कि एक ही झटके में उसने सबको दूर उछाल दिया। जब तक तो दोबारा उस पर झपटने तब तक बजाज लाश में बदल चुका था। न्यायाधीश माधोई चीखे, इसे गिरफ्तार कर लो। अनेक लोगों ने उसे जकड़ लिया। उसने ठहाका लगाया, बोला, तुम लोग फिर वही कर रहे हो, मुझे नहीं, सरकारी वकील गुप्ता को पकड़ा तुमने, मैं इसके अंदर हूं, चाहो तो हर बंधन के बावजूद निकलकर भाग सकता हूं, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है। मगर हाँ, जाने से पहले मैं इस अदालत में कुछ कहना चाहूंगा। शहर के माने हुए वकील है मिलोर्ड, मगर इस केस के संबंध में जो कुछ उन्होंने कहा उससे शंका होती है कि उन्होंने LLB की डिग्री हासिल भी की है या नहीं। जरा जांच कीजो, वकालतनामा इन्होंने अदालत में दाखिल किया है, कहीं वो जाली तो नहीं। अदालत कक्ष में फव्वारे फूट पड़े थे। सकते हैं कि निर्भय ने बजाज को इसलिए मार डाला क्योंकि उस सारे ड्रामे पर पानी फेरे दे रहा था जो निर्भय सिंह अदालत में कर रहे थे। गुप्ता के मुंह से सुचाराम ने कहा, क्या बजाज गुप्ता कोई दुश्मनी थी? फिर गुप्ता ने बजाज को क्यों मार डाला? हम इस पहेली को समझे नहीं, ये कोई पहेली नहीं है जज साहब। बजाज को दरअसल गुप्ता ने मारा ही नहीं, और मारेगा भी क्यों? गुप्ता बेचारे ने तो बजाज की शक्ल भी इस अदालत में ही देखी है। बजाज को मैंने मारा है और मैं गुप्ता नहीं, इसके जिस्म पर कब्जा किए सुचाराम की आत्मा हूं। गुप्ता के जिस्म पर कब्जा करके बजाज की मैंने हत्या इस भारी अदालत में की है। निर्भय सिंह को सच्चा साबित करने और कानून को यह समझाने के लिए इसकी हत्या की है कि वो अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करे। सब चुप रह गए, किसी के मुंह से कोई बोलना निकला। अगर अभी कानून के प्रहरियों ने कानून की किताबों से इस खामी को दूर नहीं किया तो प्रतिशोध की आग में आरोप में निर्भय सिंह और गुप्ता जैसे जाने कितने बेगुनाहों की अदालतें सजा अन्याय करती रहेंगी। मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है, मुझे मुक्ति मिल गई। आत्माएं व्यर्थ कभी किसी को परेशान नहीं किया करती। अब मैं अपनी रूहानी दुनिया में लौट रहा हूं, फिर कभी किस जिस्म पर कब्जा नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरा बदला पूरा हो चुका है और अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। बस इतना कहने के बाद गुप्ता का जिस्म एकाएक ही ढीला पड़ गया। उसे कब्जाए लोगों ने आश्चर्य के साथ गुप्ता की ओर देखा। करीब आधे मिनट बाद गुप्ता के जिस्म में पुनः जीव सा पड़ा और अगले ही पल उसने आंखें खोल दी। अपनी स्थिति पर चकित होकर वो बोला, अरे मैं सो कैसे गया था और इन लोगों ने मुझे पकड़ क्यों रखा है? इससे पूर्व कि कोई जवाब देता, कटघरे में पड़े ठाकुर साहब के जिस्म कटघरे में देखते ही वे चौंक कर बोले, अरे गुमटी की झोपड़ी से हम यहां अदालत में कैसे आ गए? सबसे ध्यानपूर्वक उन्हें न्यायाधीश महोदय देख रहे थे। शायद उन्हें अपनी आंखों पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो जो देख रहे थे वो सच था? अपने पूरे जीवन काल में न्यायाधीश महोदय ने ऐसा दृश्य और ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। फैसले वाले दिन अपने लंबे फैसले में न्यायाधीश ने कुछ यूं कहा, भीड़ से खचाखच भारी अदालत के साथ जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उस फैसले में ज्यों का त्यों बयान करने हुए नरसंहार के सिलसिले में गुप्ता या निर्भय सिंह को सजा देना अन्याय ही नहीं जुर्म होगा। हालांकि कानून की धाराएं ये फैसला देने की इजाजत नहीं देती, परंतु मैं अपने विवेक से ये फैसला दे रहा हूं कि गुप्ता और निर्भय सिंह कतई बेगुनाह है और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। साथ ही मैं कानून के प्रहरियों से दरख्वास्त करूंगा मान्यता दे कि उन्हें हम सुचाराम की आत्मा की तरह कोई सजा देने में सक्षम नहीं है। जो कुछ इस अदालत ने अपनी आंखों से देखा उसे कानून की धाराओं में बंद रहने की वजह से नकारा नहीं जा सकता और इस अदालत ने ये ऐतिहासिक फैसला इस उम्मीद के साथ दिया है कि न सिर्फ कानून की दुनिया में इसे मान्यता दी जाएगी बल्कि भविष्य में कानून अदृश्य शक्तियों को भी स्वीकारेगा। क्योंकि अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ठाकुर निर्भय सिंह ने जितने भी हत्याएं की, जितने भी निर्मम मौत लोगों की मौत को घाट उतारा,
वो सब उन्होंने किसी अदृश्य शक्तियों के काबू में उसके वश में होकर किया था। इसलिए इस हत्या से ठाकुर निर्भय सिंह का कोई रिश्ता नहीं, इसलिए उन्हें बाइज्जत परी किया जाता है। और उपन्यास की कथानक इस मोड़ पर आकर समाप्त हो जाती है। लेकिन जरा रुकिएगा श्रोताओं, क्योंकि आप सभी से कुछ विशेष बातें भी करनी है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि स्टोरी विथ अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और डिटेक्टिव नॉवेल सीरीज जासूस विजय। और इस सीरीज में आप लोगों ने दो उपन्यासों का वाचन सुना, उस उपन्यास का नाम था, पहला उपन्यास था मेरे बच्चे मेरा घर और उसी की दूसरी कड़ी थी आज का रावण। ये दोनों उपन्यासों के लेखक थे भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक वेद प्रकाश शर्मा, और उन्हीं की बहुत चर्चित सीरीज विजय विकास सीरीज पर ये उपन्यास आधारित थी। तो आज आप सभी से मेरा प्रश्न ये है कि आगे इस सीरीज में आप लोग विजय विकास के कौन से उपन्यास सुनना चाहेंगे। आप सभी मेरे आवाज जितने भी श्रोताओं सुन रहे हैं, तो आप सभी से मैं सवाल जवाब प्रतियोगिता के अंतर्गत ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर वेद प्रकाश शर्मा जी की विजय विकास सीरीज की अब तक जितनी नॉवेल और उपन्यास प्रसारित हो चुके हैं उनको छोड़कर आप सबको 5-5 नॉवेल का नाम और बताना है। तो आप सब नीचे कमेंट बॉक्स में उन 5 नॉवेल का नाम बताइए जो वेद प्रकाश शर्मा के लिखे हुए हैं और वो विजय विकास सीरीज के ही उपन्यास है और वो उपन्यास मेरे चैनल पर अब तक प्रसारित नहीं हुए हैं। सवाल एक बार फिर से सुनिए, वेद प्रकाश शर्मा जी की विजय विकास सीरीज की उन 5 उपन्यास का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है जिन उपन्यासों का वाचन मेरे चैनल पर इससे पहले नहीं किया गया है। आप सभी जानते हैं कि वेद प्रकाश शर्मा जी की विजय विकास सीरीज के लगभग 35-40 उपन्यास मैं आप लोगों को सुना चुका हूँगा, शायद कोई छूटा हो तो आप उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि जासूस विजय ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ वेद प्रकाश शर्मा जी की विजय विकास सीरीज की उपन्यासों को ही सुनाया जाएगा इस प्रोग्राम में। तो आगे आप लोग कौन सा नॉवेल सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोग को एक बात और बता दूं कि हमारे आदरणीय एक श्रोता है राजस्थान से ममता रावत जी, उन्हीं की विशेष अनुरोध और आग्रह पर हम लोग एक बार फिर से सवाल जवाब प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं। यानी कि अब से आप लोग हर एक नॉवेल के लास्ट में एक सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा जिसका सही जवाब देने वाले सभी श्रोताओं का नाम अगले एपिसोड में मैं बोलूंगा भी और साथ ही लिखित रूप से भी उसका जवाब दूंगा। तो आज से हर एक नॉवेल के एपिसोड के लास्ट में सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा और उसके लिए ध्यान से सवाल भी सुनिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको बता दूं कि कल फिर इसी सीरीज में एक और नए उपन्यास के साथ में उपस्थित होऊंगा और उपन्यास होगी वेद प्रकाश शर्मा जी की विजय विकास सीरीज की एक और नया उपन्यास। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और को भी खुश रखिए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। जो भी फ्रेंड्स कमेंट नहीं करते हैं आप लोगों से मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सकारात्मक कमेंट से मुझे और भी आगे बढ़ने में मदद मिलता है और एक पॉजिटिव फीडबैक भी मिलती है। सो प्लीज़ हमारी प्रेरणा बने और कमेंट में दो शब्द अपने मन की बात जरूर लिखिएगा। तो दीजिए आज के एपिसोड से अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत, मिलूंगा कल इसी सीरीज के 13वीं एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और को भी खुश रखिए। नमस्कार।